अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल और आप लोगों को एक दफ़ा फिर से इंडोपाक रिएक्शंस पर खुशामदीद। तो आज की वीडियो जो है ना वो इंडिया के मेट्रो सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। इस वीडियो का टाइटल है ऑल इंडियन मेट्रोज 2020 और आगे इन ब्रैकेट लिखा हुआ है 40 सिटीज़, 40 शहरों की जो है ना मेट्रो सिस्टम की डिटेल इसके अंदर है। इससे पहले मैंने इंडिया की मेट्रो के ऊपर शायद एक या दो वीडियोज़ ऑलरेडी बनाई हुई हैं, बिल्कुल स्टार्ट की मेरी वीडियोस में होंगी। एक तो वीडियो थी वो टॉप 13 मेट्रो सिस्टम ऑफ इंडिया और एक उसके अलावा एक शायद और वीडियो है, यानी दो वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, बिल्कुल स्टार्ट की मेरी कुछ वीडियोस में थी। आपको मेरे चैनल की वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगी। वैसे भी मेरी कोई वीडियोज़ इतनी ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ी सी वीडियो है तो आप लोग ईजिली ढूंढ लेंगे, आप लोग वो वीडियो भी लाजमी चेकआउट करना। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन की टॉप में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना और मेरे साथ मिलकर मेरी वीडियो भी लास्ट तक देखना। अगर तो आप लोगों को अच्छी लग जाए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करना। चलें बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको इंडिया की सारी प्रेजेंट अंडर कंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड प्रपोज्ड और कैंसल्ड मेट्रो लाइंस के बारे में बताऊंगा। ये लिस्ट काफी लंबी हो सकती है क्योंकि आज दुनिया में चाइना के बाद इंडिया ही ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा मेट्रो लाइंस बना रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर ट्रेन, इनकी शायद मैं एक वीडियो देख चुका हूँ पहले। दोस्तों हमारी पहली मेट्रो है कोलकाता मेट्रो। कोलकाता में देश की पहली मेट्रो लाइन बनी थी जो 24 अक्टूबर 1984 में खुली थी। ये लाइन टोटल 33 किलोमीटर लंबी है और 107 किलोमीटर की लाइन कोलकाता में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दूसरी है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो 24 दिसंबर 2002 को खुली थी और ये इंडिया की सबसे बड़ी मेट्रो सिस्टम है। इस सिस्टम में टोटल 348 किलोमीटर की लाइन का ऑपरेशनल है और अभी फिलहाल इसमें 103 किलोमीटर का और कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अगली लाइन है नम्मा मेट्रो जो बेंगलुरु में बनी है। दोस्तों ये मेट्रो लाइन 2011 में खुली थी और ये इंडिया की सदर्न स्टेट्स में पहली मेट्रो लाइन थी। ये टोटल 42 किलोमीटर लंबी है और इस प्रोजेक्ट में टोटल 57 किलोमीटर का काम अभी जारी है। अगली है रैपिड मेट्रो गुरुग्राम। दोस्तों गुरुग्राम 14 नवंबर 2013 को खुली थी और ये देश की पहली टोटली प्राइवेटली ओन्ड मेट्रो थी। ये टोटल 11 किलोमीटर लंबी है और फिलहाल इसके आगे कोई प्लान नहीं किया गया है। अगली मेट्रो लाइन है मुंबई से। दोस्तों मुंबई में 8 जून 2014 को पहली मेट्रो खुली थी और 11.4 किलोमीटर की लाइन अभी मुंबई में ऑपरेशनल है। इसके साथ साथ 312 किलोमीटर की मेट्रो लाइंस अभी मुंबई में अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये देश की पहली मेट्रो लाइन थी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में बनाई गई थी। दोस्तों इसके आगे है जयपुर मेट्रो। जयपुर में 3 जून 2015 को पहली मेट्रो लाइन शुरू हुई। ये टोटल 9.6 किलोमीटर लंबी थी और इसमें 2.4 किलोमीटर का काम अभी जारी है जबकि 23 किलोमीटर प्रपोज्ड है। ये देश की पहली मेट्रो लाइन थी जो डबल स्टोरी एलिवेटेड रोड पर बनाई गई थी। अगली है फिर से साउथ इंडिया से जो है चेन्नई मेट्रो। चेन्नई मेट्रो 2015 में खुली थी, इसकी टोटल लेंथ 45 किलोमीटर थी और ये देश की पहली मेट्रो थी जिसमें डायरेक्टली लूप सर्विसेज चलते रहे। अगली है कोची मेट्रो। कोची मेट्रो 2017 में खुली थी और इसकी टोटल लेंथ 23.8 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें 3.7 किलोमीटर का अभी और काम जारी है और ये देश की पहली मेट्रो है जिसमें लाइव सीबीटीसी सिग्नलिंग का इस्तेमाल किया गया था। अगली है लखनऊ मेट्रो। दोस्तों लखनऊ मेट्रो 2017 को शुरू हुई और इसमें 23 किलोमीटर की लाइन अभी ऑपरेशनल है। ये दुनिया की सबसे तेज बनने वाली मेट्रो सिस्टम है। अगली है हैदराबाद मेट्रो। दोस्तों हैदराबाद मेट्रो 29 नवंबर 2017 को खुली थी जो टोटल 69 किलोमीटर लंबी है और इस मेट्रो लाइन में टोटल 4.7 किलोमीटर का काम अभी जारी है। दोस्तों ये इंडिया की पहली मेट्रो लाइन थी जिसमें सीबीटीसी सिस्टम के साथ साथ एक इंटीग्रेटेड टेलीकम्युनिकेशन एंड सुपरविजन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था जिसके कारण ड्राइवरलेस मेट्रो भी इसमें चलाई जा सकती है। अगली है नोएडा मेट्रो। दोस्तों नोएडा मेट्रो 25 जनवरी 2019 को शुरू हुई जो टोटल 29.7 किलोमीटर लंबी थी। अगली है अहमदाबाद मेट्रो। अहमदाबाद मेट्रो मार्च 2019 को खुली थी जो टोटल 6.5 किलोमीटर लंबी है और इस लाइन में 40.03 किलोमीटर का स्ट्रेच अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑडियो डिड नॉट, अच्छा ठीक है। अगली है नवी मुंबई मेट्रो। दोस्तों नवी मुंबई मेट्रो टोटल 22 किलोमीटर लंबी है। नवी मुंबई के सैटेलाइट टाउन में बना नवी मुंबई, हाँ, ये मेट्रो अगले साल तक खुलने की आशंका है और इस मेट्रो लाइन के लिए पहली ही रेक जो है वो पहुंच चुकी है। अगली है पुणे मेट्रो। पुणे मेट्रो टोटल 31.5 किलोमीटर लंबी अभी बनाई जा रही है और 54 किलोमीटर प्रपोज्ड है। इसका काम 2017 में शुरू हुआ और आने वाले समय में जल्दी ये मेट्रो पूरी हो जाएगी।
अगली है कानपुर मेट्रो। दोस्तों कानपुर मेट्रो का कंप्लीशन डेट 2021 का बताया गया है दिसंबर में, और ये टोटल मेट्रो 24 किलोमीटर लंबी होगी। अगली है भोज मेट्रो जो भोपाल में बन रही है, इस मेट्रो का कंप्लीशन डेट 2023 का बताया गया है और 27 किलोमीटर लंबी ये मेट्रो है। इस मेट्रो का काम 2018 में शुरू हुआ था। अगली है इंदौर मेट्रो जो टोटल 31 किलोमीटर लंबी होगी, ये सितंबर 2019 को अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुकी है और आने वाले समय में ये मेट्रो कंप्लीट हो जाएगी। अगली है आगरा मेट्रो। दोस्तों आगरा मेट्रो 2024 को कंप्लीट होने की डेट बताई जा रही है और ये टोटल मेट्रो 27 किलोमीटर लंबी है। अगली है पटना मेट्रो। दोस्तों ये लाइन भी 2024 तक खुल जाएगी ऐसा बताया गया है और ये लाइन टोटल 31 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों हमारे प्रपोज मेट्रो में सबसे पहली है देहरादून मेट्रो जो उत्तराखंड में बनी हुई पहली मेट्रो लाइन होगी। इसके बाद है सूरत मेट्रो। इसके बाद में सूरत मेट्रो जो गवर्नमेंट ने 2019 में पास कर दिया है और इसका कंस्ट्रक्शन जल्दी शुरू हो जाएगा। अगली है श्रीनगर मेट्रो जो टोटल 25 किलोमीटर की लेंथ रखेगी और इसका काम जो है 2020 के अंत तक शुरू हो जाएगा ऐसी डेट बताई गई है। अगली है जम्मू मेट्रो। दोस्तों 43.5 किलोमीटर लंबी है मेट्रो का प्रपोजल लास्ट ईयर पास हो चुका था। इसका कंप्लीशन डेट 2024 है और इसका काम भी श्रीनगर मेट्रो की तरह इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। अगली है मेरठ मेट्रो। दोस्तों मेरठ मेट्रो उत्तर प्रदेश में बनने वाली एक और मेट्रो लाइन है जो टोटल 30 किलोमीटर लंबी होगी। 2024 तक इसका काम पूरा हो जाने की आशंका है और इसका फाउंडेशन स्टोन मार्च 2019 में रख दिया गया था। जल्द ही इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। अगली है गुवाहाटी मेट्रो। गुवाहाटी मेट्रो आसाम में बनने वाली 61.4 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन है जिसका DPR और कैबिनेट के थ्रू अप्रूवल आ चुका है। अगली है गोरखपुर मेट्रो। दोस्तों उत्तर प्रदेश में बनी हुई और एक मेट्रो लाइन है जिसका टोटल प्रपोजल लेंथ 27.14 किलोमीटर का है और ये मेट्रो लाइन अभी प्रपोज स्टेज में है। अगली है विशाखापट्टनम मेट्रो। दोस्तों आंध्र प्रदेश की ये मेट्रो लाइन टोटल 80 किलोमीटर लंबी होगी और इस प्रोजेक्ट का काम शुरू होने के ऊपर कोई फाइनल डेट नहीं आई है। अगली है विजयवाड़ा मेट्रो जो आंध्र प्रदेश में बनेगी, 62 किलोमीटर का ये प्रपोजल है और ये अभी भी अप्रूव नहीं हुई है। अगली है कोयम्बतूर मेट्रो। दोस्तों तमिलनाडु में बनने वाली ये मेट्रो लाइन का अभी तक कोई ड्राफ्ट नहीं आया है, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी भी जारी है। इसके बाद में ग्रेटर ग्वालियर मेट्रो। दोस्तों इस मेट्रो लाइन की फिजिबिलिटी स्टडी जारी है, अगर फिजिबिलिटी स्टडी पॉजिटिव निकलती है तो यहाँ पर भी मेट्रो लाइन का प्रपोजल पेश किया जाएगा। अगली है जबलपुर मेट्रो। दोस्तों जबलपुर में भी फिजिबिलिटी टेस्ट का काम जारी है। इसके आगे और तीन शहर है जो है बरेली मेट्रो, प्रयागराज मेट्रो, रांची मेट्रो। ये तीनों लाइन्स अभी प्रपोज स्टेज में है और गवर्नमेंट इसकी जाँच कर रही है कि मेट्रो लाइन की जरूरत है या नहीं। और इसके बाद में है कुछ ऑनरेबल मेंशंस जो लाइन प्रपोज किए गए थे लेकिन कैंसिल हो गए। दोस्तों चंडीगढ़ मेट्रो, वाराणसी मेट्रो, वेस्टर्न रेलवे एलिवेटेड कॉरिडोर मुंबई और लुधियाना मेट्रो, ये चार शहर ऐसे हैं जो अलग अलग कारणों के कारण कैंसिल कर दिए गए, जिसमें ज़्यादातर फिजिबिलिटी का इशू था और कुछ प्रपोजल्स में फंडिंग की इशू थी। तो दोस्तों ये रहे हमारे देश में बन रहे अलग अलग अंडर कंस्ट्रक्शन, प्रपोज्ड, अप्रूव्ड और कैंसिल मेट्रो लाइंस। इन लाइंस के कंप्लीट होते ही इंडिया में पूरी दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट सबवे नेटवर्क होगा, ये आप कह सकते हो इंडिया में जैसे हम कहते हैं मेट्रो नेटवर्क होगा, और टोटल देश में 2300 किलोमीटर का मेट्रो का जाल बिछ जाएगा। दोस्तों ये रही आज की वीडियो, तो लाइक। तो यार वीडियो तो हो गई है ख़त्म और वीडियो तो वाकई बहुत ही ज़बरदस्त थी। एक छोटी सी वीडियो के अंदर उन्होंने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ना कवर की है और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इंडिया के इतने सारे शहरों में मेट्रो सिस्टम है और सारे के सारे मेट्रो जो है ना वो एक दूसरे से बढ़कर एक हैं, एडवांस हैं टेक्नोलॉजी में। जो सबसे पहली जो मेट्रो थी कोलकाता की, उसके बाद से लेकर अभी तक जितने भी मेट्रो सिस्टम इंडिया में लॉन्च हुए हैं जो एक्टिव हैं वो सारे एक दूसरे से बढ़कर एक हैं। मतलब अगर पिछली मेट्रो में कोई कमी रह गई थी तो उसको नेक्स्ट जो अगली मेट्रो लॉन्च की है उसके अंदर उस कमी को जो है ना वो पूरा किया गया है। और ये तो खैर मेट्रो ट्रेन्स की बात हो रही है, मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस देखी हैं इंडिया की उसमें सारी की सारी मेट्रो ट्रेन्स का जिक्र हुआ है, BRT के बारे में कोई वीडियो मैंने अभी तक नहीं देखी। तो अगर इतने ज़्यादा शहरों में जो है ना वो मेट्रो ट्रेन्स हैं तो BRT जिसको बस रैपिड ट्रांजिट बोलते हैं वो तो मेरे ख्याल में इंडिया के हर शहर में होगी। ये चीज़ आप लोगों ने मुझे जो है ना वो कमेंट्स में क्लियर करनी है कि इंडिया के किस किस शहर में जो है ना वो BRT एक्टिव है। और अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो यार इस वीडियो में से एक बहुत ही की पॉइंट जो है कोलकाता मेट्रो का वो ये मिस कर गए हैं, जो कि कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो के ऊपर काम चल रहा है, 2017 में काम स्टार्ट हुआ था उसका और अभी भी चल रहा है, पता नहीं वो ये क्यों मिस कर गए हैं, क्योंकि अंडर वाटर मेट्रो वाला फीचर जो है वो इंडिया की किसी और मेट्रो में नहीं है कोलकाता के सिवा, कोलकाता में वो चल रहा है, वो इनको मिस नहीं करना चाहिए था। और फिर आते हैं दिल्ली मेट्रो की तरफ, तो दिल्ली मेट्रो के ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है ना वो दो वीडियोस बनाई हैं, एक तो
दिल्ली मेट्रो की जो है ना वो एरियल शॉट्स से, ड्रोन शॉट्स से उसकी वीडियो थी, और दूसरी वीडियो जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, फॉरनर्स का शायद ब्लॉग था वो, हाँ फॉरनर्स के ब्लॉग की वीडियो थी वो, आप लोगों ने लाजमी चेकआउट करनी है। मेरी तो आप लोगों को पता है कि इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं नहीं, आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो सेक्शन में ईजिली वो दोनों वीडियोज़ जो है ना मिल जाएंगी, या मैं एक वीडियो का यहाँ लिंक ऊपर भी दे दूंगा। और दिल्ली मेट्रो के बारे में मैंने एक और चीज़ भी जो है ना वो पढ़ी थी, किसी ने शायद मुझे बताया था, ये मैंने कहीं पर रीड किया था कि जिस तरह ये जयपुर मेट्रो है ना, इसका वो डबल हाइटेड मेट्रो है, ये डबल फ्लोर बोलेंगे, डबल हाइटेड बोलेंगे, डबल एलिवेटेड बोल लें इसको, इसी तरह जो दिल्ली मेट्रो का जो नेक्स्ट 100 किलोमीटर वाला पोर्शन है जिसके ऊपर अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फेज़ 4 है शायद वो, उसमें से कुछ पार्ट जो है ना वो भी इसी तरह डबल हाइटेड होगा, और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है दिल्ली मेट्रो का। और मेट्रोस तो जो हैं वो इंडिया की सारी ही एक से बढ़कर एक हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मेट्रोज हैं, और मेरी इनमें से फेवरेट जो हैं वो मुंबई की मेट्रो तो यकीनन मेरी फेवरेट है, खैर मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन शहर जो मेरा फेवरेट है इसलिए उसकी हर चीज़ मेरी फेवरेट है। फिर उसके बाद दिल्ली मेट्रो, वो भी बहुत ज़बरदस्त है दिल्ली मेट्रो। फिर गुड़गांव की, गुरुग्राम जिसको बोलते हैं, ये चीज़ आप लोगों ने मुझे क्लियर करनी है कि गुड़गांव के दो नाम क्यों हैं, गुड़गांव और गुरुग्राम, और गुड़गांव भी नहीं है, गुड़गांव है शायद, गुड़गांव है हाँ। तो और नोएडा मेट्रो, ये दो मेट्रोज जो है ना मेरी टॉप फेवरेट में आती हैं, बाकी सारी की सारी मेट्रोज अच्छी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जो है ना मेट्रो मेरी वो अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं है, सारी की सारी अच्छी हैं, लेकिन जो फेवरेट हैं वो तीन मेट्रोज हैं, तीन नहीं बल्कि चार, हाँ दिल्ली मुंबई और नोएडा और गुड़गांव गुरुग्राम। और रही बात बाकी शहरों की मेट्रो की, तो यार इंडिया के लिए मेट्रो सिस्टम बनाना मेरे ख्याल में अब तो कोई वो मुश्किल काम नहीं है, मेट्रो ट्रेन जो हैं वो इंडिया के अंदर खुद बनती हैं, बल्कि इंडिया जो है ना एक्सपोर्ट भी करता है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को, तो वो तो खैर इतना अब मुश्किल नहीं है। और बाकी जो शहर हैं जिनके अंदर अभी प्रपोजल चल रहा है या जिनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के ऊपर वर्किंग हो रही है, मेरे ख्याल में वो भी अप्रूव हो जाएंगी, क्योंकि इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के जो सारे मेजर शहर हैं उसमें मेट्रो ज़रूरत है उन शहरों की, क्योंकि जितनी ज़्यादा आबादी है उस हिसाब से ट्रैवलिंग भी ज़्यादा है, इसलिए मेट्रो का होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है जो बाकी की जो प्रपोजल्स चल रहे हैं जिनके ऊपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स की वर्किंग चल रही है वो भी बहुत जल्द अप्रूव हो जाएंगी। तो बस ये मेरा छोटा सा रिव्यू था, आप लोगों को कैसा लगा, अगर तो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करना, और जो चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर पूछी हैं वो आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना, और मुझे दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।